डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। आज डिफरेंशिएशन पे बात होगी। डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है। इसमें हम किसी भी लाइन्स या कर्व की स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह हमारे पास एक्स प्लेन और ये है वाई प्लेन। एक्स प्लेन और वाई प्लेन हमने क्या ड्रा कर ली है और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रा करता हूँ। इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट और ये वन लेट सपोज में कर लेता हूँ और दूसरा पॉइंट ये जो है यहाँ पे एक लेट सपोज कर लेता हूँ। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस पे जो है ये मैं ड्रा करता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर वाई प्लेन पे जो ड्रा ये ड्रा मैंने किया इसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब वाई में जो है ये ए जो है ये एक्स में चेंज करेंगे तो क्या एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं वाई कोऑर्डिनेट्स पे तो क्या हो जाएगा, ये b है तो b जब x की जगह चेंज किया जाएगा तो f ऑफ क्या b हो जाएगा। अब स्लोप बेसिकली होती है स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज क्या है, राइज बेसिकली जो डिस्टेंस है पॉइंट वन से लेकर इस पॉइंट टू तक जो हॉरिजॉन्ट वर्टिकली डिस्टेंस है वो क्या है, ये डिस्टेंस है। ये शो करता है राइज को, ये डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है चेंज इन वाई में डेल्टा वाई। अब ये रन से मतलब ये है कि पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको ये रन शो करता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से लेकर बी तक जो है ये एक्स एक्सिस है, इसको नाम रख देंगे चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स। तो इस तरह लिखने साथ जो है राइज का लिखने डेल्टा वाई ओवर रन का लिखने डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट स्लोप इज इक्वल टू राइज, ये क्या चेंज इन डेल्टा एक्स ओवर चेंज इन डेल्टा वाई ओवर चेंज इन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई जो है बेसिकली चेंज क्या है, ये पूरा जो है ये कोऑर्डिनेट एफ बी माइनस एफ ए कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये जो है ए से लेके बी तक जो है ये डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स को फाइंड करेंगे बी माइनस ए आ जाएगा। बी माइनस ए इज इक्वल टू ये क्या स्लोप आ गई है। अब मैं लेट्स सपोज करता हूँ इस पे टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस पे पॉइंट्स थ्री फोर आ जाता हूँ और जो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है इस पे पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से लेट्स सपोज कर लेता हूँ वन टू। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप चेक कर लेंगे। स्लोप इज इक्वल टू फर्स्ट जो है ये कोऑर्डिनेट्स, ये बी जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें ये जो है थ्री क्या है थ्री बी है और फोर इसका क्या है एफ ऑफ बी है। तो इसी तरह सिमिलरली वन क्या है ए है और टू इसका जो नंबर है ये क्या है एफ ऑफ टू है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी ये और एफ ऑफ ए ये है। एफ ऑफ बी से मुराद क्या है इसका फोर है, फोर माइनस एफ ऑफ ए क्या है टू, क्या लिखेंगे टू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ए बी माइनस ए। बी क्या है थ्री, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू टू, थ्री माइनस वन
टू ओवर टू इज इक्वल टू वन। अब इसकी स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है, वन। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ये एवरी पॉइंट पे क्या है, वन होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक आपको पसंद आया हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और क्या है, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।